अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द थ्री मैन शो। यार तीन मेरे साथ आजकल ट्रेजेडी हो रही है यार, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। यार मैं सोता हूँ तो नींद ही नहीं आती यार। यार सोते ना ना मेरे ना हादसे हो रहे ना यार, मैं रोटी खा लेना तो मैं भुख नहीं लगती यार। तो अपना पेट चेक करवा, ठीक है, कोई मसला ना हो। तुम लोग हंसी जा रहे हो यार। यार मैं जो नहा जाना मैं गिला हो जाना यार। चलो प्रदीन भाई इसका मुंह धुलवाओ, लगता है शो इसके सर पे चढ़ गया हुआ है। काहे को रो रही है तू, काहे को चिल्ला रही है? रोने से तकदीर नहीं बदलती। मैं भी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लोगों ने मुझे आधी औरत आधा मर्द कहा। अगर रोने से तकदीर बदलती तो महारानी अपनी तकदीर न बदल लेती। जी तो नाजरीन, आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं वो है सड़क मूवी के करेक्टर महारानी, जिस रोल को लेट सदाशिव अमरापुरकर ने प्ले किया था। क्योंकि इस मूवी के करेक्टर सदाशिव अमरापुरकर अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमने डमी म्यूजियम से सड़क फिल्म के करेक्टर महारानी को बुलाया। ए चिकने, मेंढक की तरह टर-टर कर रहा है तू। महारानी हूँ महारानी, सभी लोग मुझे झुककर सल्यूट करते हैं। आप सुनाओ कैसे हैं? मैं ठीक, आप अपने बारे में बताएं। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ क्या होता है मुझे? कोई सुई तो नहीं वहाँ पे? यह मौसम की वजह से मुझे कोई स्किन का मसला ना बन जाए। अभी मसला बनना है। आपने कभी इतना हुस्न देखा हो तो आपको पता चले। कसम से मैं ऐसा हुस्न देखना भी नहीं चाहता। तुम्हारे नसीब में भी नहीं है। कभी अच्छी सोसाइटी में बैठने का इत्तेफाक नहीं हुआ आप लोगों को? हाँ मैनू की हो ही जाता। ओ माई तेनू खुरक पई है, साढ़े सोफे च कोई मसला नहीं। जी तो नाजरीन, अभी तो हमारे पास है डमी म्यूजियम से बनी हुई महारानी। ये चिकने, बनी बुनी नहीं है, मैं हूँ महारानी। जी तो नाजरीन, अभी हमारे पास है डमी म्यूजियम से आई महारानी, पर जो लेट सदाशिव ने इस मूवी में रोल प्ले किया है, मैंने आज तक ट्रांसजेंडर के हवाले से इतना बेस्ट सीन कभी किसी मूवी में नहीं देखा। अच्छा तो मतीन, मैं तुझे बताता चलूं यार कि ये मूवी 3 दिसंबर 1991 में आई है यार। 3 दिसंबर 1991, उस टाइम तो हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो बासित तूने ये मूवी कैसे देखी, या तुझे किसने बताया, या तुझे क्यों क्रेज आया इस मूवी को देखने के लिए? यार ये मैंने मूवी तब देखी कि मतलब पहले तो मैंने इसके गाने सुने हुए थे, गाने इसके बहुत बेकार, बहुत, हर गाना अपने आप में एक जगह रखता है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा मुझे मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट की। अच्छा, क्यों? उन्होंने तो मूवी ये देखी हुई थी, उन्होंने कहा कि बेटा एक दफा ये मूवी देख, तुझे पसंद आएगी, क्योंकि तू गाने गाता है, तुझे मतलब म्यूजिक का शौक है, तुझे इसके गाने तो पसंद है ही। बिल्कुल, तो ये मूवी देख तुझे और अच्छी लगेगी। तो जब मैंने मूवी देखी तो यार सीरियसली बहुत खूबसूरत मूवी बनाई है महेश भट्ट साहब ने, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं मुकेश भट्ट साहब, और लिखने वाले ने क्या खूबसूरत लिखी है रॉबिन भट्ट साहब ने। बिल्कुल, मतलब ये पूरी फिल्म घर की ही बन गई, सारे भट्ट 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 ही हैं मेरे ख्याल में। तो एक संजय दत्त साहब भी मेरे ख्याल में हैं जो बाहर से हैं, वरना तो भट्ट 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 ही हो रहा है यहाँ पे। तो यार बासित, भट 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 तो हम कर रहे हैं, तो पूजा भट्ट को तू कैसे भूल गया यार, मेन लीड एक्ट्रेस थी यार वो इस मूवी में। अच्छा तो मतीन, ये मूवी बॉक्स ऑफिस में 18 CR तक गई, पर मैंने इसके काफी आर्टिकल्स पढ़े हैं यार, पर इसका मुझे बजट नहीं मिला कहीं पर भी। यार बजट तो हमें भी नहीं मिला ना। बिल्कुल, बजट तो मैंने भी काफी जगह पढ़ा है, पर मुझे इसका बजट कहीं पे भी नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे है, मैंने भी काफी इकट्ठे भी, हमने एक दो दफा एक आर्टिकल्स लिए भी थे, पढ़े भी है, लेकिन उसमें भी इसका बजट नहीं कहीं पे मिला। शायद घर की फिल्म थी, उन्होंने एमी चलते चलते बना ली हो। महारानी आप भी तो इस मूवी में थी, आपको तो इसका बजट पता होना चाहिए, आपको भी तो पेमेंट मिली होगी। पता है मुझे, इल्म है, सारा इल्म है। बताएं। मेरी मासी दी निकली सी 1500 दी कमेटी। चाचू मुकेश आए सी मेरी खाला को। अच्छा, उन्होंने कहते खाला मैनु अपना पैसे दे दे 1500 रुपया, बाकी अपने को कर लांगे।
ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करनी है। अच्छा मतलब 1500 में फिल्म आपके मतलब मुझे तो यही पता है। तो 1500 में टोटल आपकी पेमेंट 300 थी कि 250? मैंने उसकी गलती मलती नहीं की। बाबा ठीपे थे इसका मतलब। यार ये उनके घर की बात है, उनको ज्यादा पता है। हमारे घर की बात है, मुझे पता है। आप कौन होते हैं? माई इतने गटर का पानी लाया, तेरी खारिश ठीक हो गए। यहाँ आपके पूरे इलाके में कोई डॉक्टर नहीं है? क्यों? वो मुझे कोई मेडिसिन दे। अच्छा यार मुतीन, बातें तो बहुत हो गई, अब तुझे मैं म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताता हूँ। बिल्कुल। के जी नाज़रीन, इसका म्यूजिक जो है नदीम श्रवण, श्रवण राठौर और नदीम शाफी साहब ने दिया, और क्या खूबसूरत म्यूजिक दिया है कि मेरे तो, मेरे ख्याल में तो मेरे तो इस फिल्म के सारे गाने बहुत पसंदीदा है। मेरे भी बिल्कुल। धनी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? भैया वो सुनाओ ना जो रात को सुना रहे थे मुझे गाना। मोस्ट फेवरेट हम तीनों का वो एक गाना है। बिल्कुल यार मैं जरूर सुनाऊंगा। तो जी नाज़रीन, ये जो गाना है जो मैं आपके सामने गाने लगा हूं, ये बहुत ही खूबसूरत गाया है अनुराधा और मनहार उदास ने। हम तेरे बिन के ही रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। क्या बात। हाय प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। ये गाना दोबारा नहीं गाना। क्यों जी? वो वक्त मुझे बहुत याद आता है जो मेरे साथ हुआ था, सारे इलाके ने देखा था। ऐसा क्या देखा था सबने? जुल्म, तशद्दुद, बेरहमी से मुझे मारा था। उन लोगों में से एक बहुत जाहिल था, उस साले ने लोटा घुमाकर मेरे आ मारा। ये तो उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया। लगता है तब की खारिश पड़ी। वही जगह ताडे इत्थे भी लगता मैनू किसी ने हिट मारी थी। मैंने कभी पूछा नहीं। चिकनो मेरे आगे ज्यादा चिड़चिड़ ना करो, महारानी हूँ महारानी। जैसे मैंने उस चंदा को खिड़की से बाहर फेंका था, इसी तरह तुम तीनों को कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। बात तो हमारे खिलाफ है, पर फिर भी आपने डमी होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफेक्शन से ये डायलॉग बोला है ना, क्या बात है। बहुत कमाल यार, बहुत कमाल, बहुत कमाल। थैंक यू भाई, मौला तुम सलामत रखे। महारानी है आप? हाँ। महारानी आप कुछ खाएंगी? ऐसी तो मैं डाइटिंग पे हूँ, अगर आप कहते हैं तो खा लूं। आपको देख के लगता तो नहीं कि आप डाइटिंग करती हैं। मैं फिर भी हैरी को बुला लेता हूँ। या अल्लाह खैर साहब जी, ये किनू बिठाया जे? ये महारानी है सड़क फिल्म से। दादा वास्ता जे, ये महारानी है सड़क फिल्म दी वर्ल्ड स्टार, उन्हां दा ते मैं बड़ा वड्डा फैन हाँ। लोहा फिल्म, हुकूमत फिल्म, फिर सुल्ताना फिल्म, फिर सड़क फिल्म, उहदे वर्गा को फनकार हो सकदा उहनां लई क्लैप करो। तू मैनूं सड़क फिल्म दी महारानी ना मन। हाँ गली दी मान रहा। ओ चाची तू इत्थे बैठी है, बच्चे तेरे नालियां च हाथ मार के ठीपे लभण दे ने। कुछ ले आंगे ते असी खावांगे। अब ये बड़ी तजाबी औरत है, इनू जरा जिया सेक पवे ना 15 मिनट च पिघल जांदी है। अपनी टाइमिंग दुरुस्त कर, एक घंटे के बाद ये मसला बनता है। ते नाज नखरे ते इंदियां अदावां वेखो, सुते पे बंदे दी टिंड करके कहंदी मैं अपने आशिक दा बदला लै लिया। असी दुश्मनीदार सारी जिंदगी साडा एही हाल रहा। ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਈ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵੇਚ ਆਈ। ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਜੂਠਾ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੇ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਟਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਕਾਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੱਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੱਕ। ਬੜੀ ਨੈਸ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ?
ਇਹ 8 ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫਲ ਬੇਰ ਜੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਚੈਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਆ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋ ਮਾਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕੋ ਇੱਧਰ ਤੱਕਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵਾਂ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿੱਛ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਪਾਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੱਸ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਤੌੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਭਾਜੀ ਸਦਾ ਸ਼ੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਏ ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚੋਰਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਈ ਚੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਧਰਨ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਇਹ ਫਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਮ ਕੋ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਔਰਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਬਾਂਦਰ ਏ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ